लगता है इन्हें मेरे बारे में पता चल गया। फोन उठा लो, इस बहाने रेस ना करने का बहाना मिल जाएगा। तुम रेस में तभी जीत सकते हो जब तुम मेरे जितनी काबिलियत और ताकत रखते हो। आज तो पक्का बोरा ही जीतेगा, उसने इस रेस के लिए अपनी मोटरसाइकिल भी अपग्रेड की है। मुश्किल लगता है, क्या तुम एमिर को नहीं जानते? उसकी रफ्तार सबसे तेज है। ये बात तो सच है, एमिर फिर से रेस जीत सकता है। पक्का बोरा ही जीतेगा, और इस रेस के लिए बोरा ने अपनी मोटरसाइकिल अपग्रेड की है। तो अब हम रेस शुरू करेंगे। फोन उठाओ। पता नहीं ये लड़का कहां रहता है। मिस्टर हेगमत, इस तरह रोज रोज परेशान होने से कुछ नहीं होगा, इससे आपकी सेहत और खराब हो सकती है। मर ही जाऊंगा ना, मेरे बेटे की हरकतें ही ऐसी हैं। अगर इसका यही हाल रहा तो इसकी फिक्र करते करते एक दिन मर ही जाऊंगा मैं। पता है तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर मुझे कितनी फिक्र हो गई थी। माँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, बस थोड़ा सा स्प्रेन हुआ है। एमिर, तुमने डैड से दोबारा रेस ना करने का प्रॉमिस किया था। मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है, वो कार रेसिंग नहीं थी बल्कि बाइक रेसिंग थी। भाई, आप पापा से ऐसा प्रॉमिस करते ही क्यों है जो आप निभा ना सको? देखो, मुझे ये सब पसंद है, पर इतना भी नहीं कि खतरा बढ़ जाए। बेटा, तुम मेरे बारे में भी नहीं सोचते, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आप फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं जब भी बाइक चलाता हूँ नी गार्ड्स और हेलमेट पहनता हूँ। जब मैं बाइक चलाता हूँ ना, रोबोकॉप लगता हूँ। वैसे मैं 3 बार गिर चुका हूँ, पर ये पहली बार हुआ है। तुम 3 बार गिर चुके हो? वाले का शुक्र है कि आप ठीक है। फिक्र मत कीजिए मलिक दीदी, देखिए मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा। आपको पता है मैंने कार रेसिंग तो छोड़ ही दी है, धीरे धीरे बाइक रेसिंग भी छोड़ दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो एमिर, आज के बाद तुम कोई भी रेस नहीं करोगे, ना कार रेस, ना बाइक रेस और ना ही साइकिल रेस, समझ गए तुम? घोड़े की सवारी कर सकते हैं।
तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है सुना? यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? खैर, इस मामले को डैड ही सॉल्व करेंगे। हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? मेरी बात सुनो, पापा को बताना जरूरी है क्या? रहने दो, उन्हें प्लीज मत बताना। क्या मेरे घर आ गया? जी हाँ आ गए, लेकिन आप अचानक। रहने दो, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, कम से कम मेरी बात तो सुन ली होती। अच्छा वैसे तुम्हें इतने कम वक्त में इस खबर के बारे में पता कैसे चला? एमिर, एमिर तुम ठीक तो हो ना? अब पता चला ये खबर कैसे फैली है? एमिर तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। बस हाथ में थोड़ा स्प्रेन हुआ है। ठीक हो जाएमिर, कुछ नहीं हुआ है। ओह एमिर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इसमें मेरी गलती नहीं है, रास्ते में पत्थर थे और उसमें मेरा बैलेंस बिगड़ा। सारी गलती उन पत्थरों की है। ऐसे कह रहे हो जैसे कोई मजाक है। अच्छा उठो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ शांत हो जाओ जेमरे, मैं ठीक हूँ। वैसे मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जब हम छोटे थे तब भी तुम मेरी हर बात आकर मेरे पेरेंट्स को बता दिया करती थी, और देखो इतने सालों बाद भी कुछ खास बदला नहीं है। वेलकम जेमरे। ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। असल में मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, हादसे की वजह से मैं ये रेस हार गया। एमर्जी, आपके पापा आपका स्टडी रूम में इंतजार कर रहे हैं। डैड घर पे है क्या? जी वो अभी अभी आए हैं और आते ही स्टडी रूम में चले गए। एमर। मॉम। डैड क्या आपने मुझे बुलाया? मैं आज तुम्हें ऑफिस में देखना चाहता था मगर तुम गायब थे। हो सकता है इस मीटिंग से ज्यादा जरूरी तुम्हारा कोई और काम हो जिसकी वजह से तुमने इसे इग्नोर किया। वैसे कहाँ थे तुम? अब जब आपने मुझे अकेले बात करने बुलाया है तो आपको पता ही होगा कि मैं कहाँ था। तुम शायद इस हकीकत को भूल रहे हो कि तुम्हारी मोटरसाइकिल का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ। कभी कभी एमर पर बहुत गुस्सा आता है। उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वो है कि इतनी बड़ी बात को बस मजाक में उड़ा रहा है, इसलिए मेरा दिमाग खराब होता है। तमिल जब गैलो पर था तो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी। उसने कहा मुझे सबक मिल गया। सुना, ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? इस तरह की बातें मत करो प्लीज। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी मॉम, मुझे ये सब बातें नहीं सुननी, समझ गई तुम? मिस मलिके, क्या आप सुना को इसके कमरे में ले जाएंगी प्लीज? आज का दिन इसके लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रेसफुल था, शायद इसे आराम की जरूरत है। जी मैं अभी ले जाती हूँ। लगता है अब हिकमत अंकल उसे एक लंबा चौड़ा लेक्चर देंगे। हाँ हो सकता है, तुम तो उन्हें अच्छी तरह से जानती ही हो। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। जानता हूं मेरी सारी बातें तुम्हें बेफजूल लगती हैं। नहीं डैड, बल्कि आपको मेरा हर काम बेफजूल लगता है और आपको मेरी कोई बात पसंद ही नहीं आती। मैं चाहे कितने ही काम की बात करूं तुम्हें तो समझना नहीं है न? मेरे बिजनेस में हाथ बटाने की बजाय तुम्हें तो कारों और मोटरसाइकिल की रेस करनी है। मैं बिजनेस में हाथ बटाऊंगा और डैड ये कोई दुकान नहीं है जो मुझे हर वक्त वहाँ मौजूद रहना जरूरी हो। वाह क्या बात है, काम तुम्हें कुछ करना नहीं और मुनाफा पूरा चाहिए। एमिर, आज के बाद तुम किसी कार या बाइक की रेस में हिस्सा नहीं लोगे। मेरी बात को समझ रहे हो ना तुम? आज से सब बंद। मैंने कहा मेरी बात समझे तुम? हाँ डैड मैं अच्छे से समझ गया, लेकिन आपको भी एक बात समझनी होगी कि मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ? बिना किसी इरादे और बिना किसी मकसद की लाइफ कुछ नहीं होती। इसे सुधारने के लिए कोई ढंग का काम करो।
वैसे एमिर ने जो किया उसकी इस हरकत में मैं उसका साथ नहीं दे रही, पर हिकमत अंकल उस पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं ना, आपको ऐसा नहीं लगता क्या? एमिर, एमिर, एमिर रुको ना, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी नहीं, बाद में। मैं जाकर हिकमत से बात करती हूँ। वो और उसकी वो लाइफ। क्या हुआ हिकमत, इतना सब कहने की क्या जरूरत थी? मैंने जो कुछ कहा है उसे सुधारने के लिए कहा है। मैं जानती हूँ, पर ये सही वक्त नहीं है। मैं उससे बात करके दोबारा ये सब ना करने का वादा ले लूंगी। वादे तो उसने कई बार किए हैं। वो अभी ना समझ है, वक्त के साथ समझ जाएगा। उसे जिम्मेदारियों का एहसास करवाने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उसकी शादी कर दी जाए, यही फैसला लेना होगा। तुम ये क्या कह रहे हो हिकमत? यही उसके लिए शायद बेहतर होगा। उसकी हरकतों से तो लगता है वो अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा। शादी हो जाएगी तो वो जिम्मेदार बनेगा। जेमरे। क्या कहा? जेमरे कहा ना? जेमरे आई हुई है, वो बाहर अकेली बैठी हुई है, मैं उसके पास जाती हूँ। और तुम इन सब बातों के बारे में सोचकर ज्यादा स्ट्रेस मत लो। हेलो, हाँ लतीफ, एर्जुरम के लिए एक टिकट बुक करवा दो प्लीज। एक ही नहीं, बिजनेस के लिए नहीं जाना, असल में एक अच्छे काम के लिए जा रहा नहीं करूंगी, ठीक है? डरो मत। हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। तुम्हें चोट लगी है, तुम जख्मी हो, कितने प्यारे हो तुम, दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हारी देखभाल करूंगी,
बहुत दर्द हो रहा है क्या? शायद तुम्हारा पंख टूट गया है। क्या तुम भी मेरी तरह बिन माँ के हो? देखो मेरी भी माँ नहीं है, मैं भी अकेली हूं। मेरा भी कोई सहारा नहीं है। माँ की बहुत याद आती है। रिया, क्या तुम्हारी उम्र हो गई है? मैंने सफाई वाला कपड़ा पता नहीं कहां रख दिया, मिल ही नहीं रहा। मैं भी किससे बात कर रही हूं, मैं तो भूल ही गई कि तुम बोल नहीं सकती। ओए, कपड़ा तो यहां है और मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी। बेटा, तुमने मेरी बातों का बुरा तो नहीं माना ना? वैसे ज्यादा बोलना कोई बुरी बात तो नहीं। वो कहते हैं ना, बातें सिल्वर होती है और खामोशी गोल्डन। एक औरत को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कहते हैं। मैं ज्यादा थोड़ी बोलती हूँ, पर खामोश भी नहीं रह सकती। मेरी बहू को देखती तो तुम भी बातें करती। मेरी बहू निगार को तो जानती ही हो ना, किसी की इज्जत नहीं करती, चपट चपट बोलती रहती है। और पता है, किसी का ख्याल नहीं रखती, बहुत नकचड़ी है वो, लालची कहीं की। और पता है उसने मेरे सैफर के साथ क्या किया था? ये लो अब फोन आ गया। अगर उन्होंने हम दोनों की बातें सुन ली तो बहुत ही बड़ा लेक्चर देंगे मुझे। परेशान हो गई हूँ। सहरिया जी, आप क्या कर रही हैं? मैं क्या करूंगी भला, सफाई कर रही थी और क्या करूंगी। हेलो, कैसे हैं आप? नहीं, मैं घर पर हूँ। मैं मसल के कमरे के लिए एयर क्लीनर लाया हूँ, बस उसे ही लगवा रहा था। आप एयरपोर्ट पर हैं? एयरजूरम जा रहे हैं, लेकिन क्यों? ठीक है, वापस आने पर बताना। जब नैनी आ जाएगी तब मैं ऑफिस आ जाऊंगा। ठीक है, जानता हूँ, आप फिक्र मत करना, मैं अमिर से बात कर लूंगा। मसल ठीक है, यहीं पे खेल रही है। मसल, तुम्हारे अंकल तुम्हें हेलो कह रहे हैं, वो खेलने में बिजी है। अच्छा भाई, मुझे जाना है, मैं फोन रखता हूं। ये नैनी भी पता नहीं कब तक आएगी। साहब, आप ऑफिस जाइए, मैं तो घर पर हूं ना। मसल बेटा, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखना। सहरिया जी, कुछ देर बाद इसे फ्रूट दे देना। ठीक है। और नैनी आए तो फिर उसे मैं सब संभाल लूंगी। आप ऑफिस जाइए, यहाँ की फिक्र मत कीजिए, मैं उनसे बात करूंगी। मुझे लगता है यही सही रहेगा। आराम से जाइए। बहुत अच्छे, तुमने अपना खाना खत्म कर दिया, ये हुई ना बात, गुड। ओह अरे वाह, तुम्हारा पंख तो ठीक हो गया। मैंने कहा था ना कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे।
एक मिनट अंकल। मिसेस जावेदान आपकी चाय। मेरी चाय? ये तुम्हें 15 मिनट पहले लाने के लिए कहा था। तुम जानती हो ना, मुझे मेरी चाय टाइम पर पीने की आदत है। जी मैं ला ही रही थी, लेकिन मलिक जी ने मुझे किसी काम के लिए कह दिया। और तुमने आज फूलों को पानी क्यों नहीं दिया? देने जा ही रही थी कि मलिक जी ने मुझे स्टोर पर भेज दिया। और अपनी इस रिंकल शर्ट को भी तुम मलिके की वजह से ही आयन नहीं कर पाई होगी, है ना? जी आयन ही थी, पर बाथरूम साफ करने से फिर से ऐसी हो गई। बस बहुत हो गया, स्टॉप इट। अब जाओ और जाकर अपनी शर्ट बदल लो। कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, मैं नहीं चाहती तुम उनके सामने ऐसे आओ। शायद मिस जेमरे भी आने वाली हैं। तो जेमरे खास मेहमान नहीं है क्या? नहीं जी, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जेमरे मेरे और इस फैमिली के लिए बहुत खास है। मैं चाहती हूँ उसके सामने अच्छी तरह से बिहेव करो, उसे इस घर में पूरी इज्जत मिलनी चाहिए, समझ रही हो तुम? शुक्रिया बेटा। सच कहूं तो तुमने निहायत टेस्टी खाना बनाया है। मैंने ब्रेड भी टोस्ट कर दी है। अगर आप मुझे आने से पहले बता देते तो मैं आपका मनपसंद खाना बना देती। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने जो कुछ बनाया मेरे लिए काफी है, शुक्रिया। आप खाना शुरू कीजिए। अरे ये भी आ गए, तुम रेहान की जिंदगी में खुशियां देने आए हो ना? कह दो ये सच है। ये मुझे बाहर खिड़की पर मिला था, इतने कम वक्त में ही इससे काफी लगाव हो गया है। क्योंकि तुम भी अपनी माँ की तरह ही दयालु हो। जख्मी जानवर को देखकर मरियम भी परेशान हो जाती थी, उसका ख्याल रखती थी। आपके पास भी तो एक पंछी था ना एकमित अंकल? मुझे जब वो मिला था तो वो भी जख्मी ही था। डैड को तो लगा था कि वो मर जाएगा, इसीलिए वो उसे घर लाने में झिझक रहे थे, लेकिन मेरी बहन उसे घर ले आई और वो ठीक हो गया। एक बात कहूं बेटा, कहने को वो मेरी बहन थी लेकिन मेरे लिए मेरी माँ जैसी थी। वो सबकी चहेती थी, सभी का ख्याल रखती थी। उसके आने के बाद यूं समझो पूरे घर में खुशहाली आ गई। माँ हमेशा ग्रैंडपा की अच्छाई की बात करती थी। वो कहती थी कि अगर ग्रैंडपा नहीं होते तो पता नहीं उनका क्या होता। ऐसा कहा उसने? उसने जो कुछ किया उसके बदले में मैं कुछ न कर सका। उसके बहुत एहसान है मुझ पर। मरियम ने हम सबको बांध रखा था। माँ के न होने का कभी एहसास ही नहीं हुआ हमें। बड़ी अच्छी इंसान थी मेरी बहन। ऊपर वाला उसे सुकून बख्शे, मेरी दुआ है उसे जन्नत नसीब हो। आमीन। वैसे अंकल मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हैं। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि आप इतनी जल्दी यहाँ आएंगे, उनकी मौत के 40वें दिन ही। असल में मैं तुमसे कुछ खास बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। अंकल आप ठीक तो हैं? मैं पानी लेकर आती हूँ। मेरे कोट में मेरी दवाई रखी है, ला के दे दो मुझे। देखिए अंकल, अब आप भी मुझे गलत मत ठहराना, घर के बाकी लोग तो वैसे ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम्हें उनकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए? मैंने उनकी हर एक बात मानी अंकल, हर एक बात।
मैं कौन सी स्कूल में पढ़ूंगा वो डिसीजन काम का हर एक फैसला वही लेते हैं, और क्या चाहिए। देखो तुम शांत हो जाओ। वो मेरे किसी काम से खुश नहीं होते, ये मत करो वो मत करो, हर चीज पर पाबंदी लगाते हैं। मेरी जिंदगी का क्या, मेरे डिसीजंस का क्या, मुझे क्या चाहिए, किसी को पड़ी ही नहीं है। वो मेरे भाई और तुम्हारे डैड हैं, मैं भी उनके डिसीजन मानता हूँ। मैंने खुद उनसे अपनी बात कई बार कहने की कोशिश की है, लेकिन मैं जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल है। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच अंकल। यहाँ कोई तो है जो मुझे समझता है कि ये काम मुश्किल है। मुश्किल तो है, पर इससे भी ज्यादा मुश्किल कुछ और है। और वो क्या है? यही कि भाई हमेशा सही साबित होते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप। अब बेहतर लग रहा है? हाँ बेटा, ठीक लग रहा है। जो मैं कहना चाहता हूं अगर वो कह दूंगा तो शायद और ठीक लगेगा। जयवेदन आंटी, क्या बात है, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? क्या एमिर को लेकर कोई बुरी खबर है आंटी? नहीं बेटा, एक्चुअली मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देना चाहती थी, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम जानती हो कि हिकमत के दिमाग में अगर कोई बात आ जाए तो वो उसे पूरी करके ही रहते हैं। ये मैं अच्छे से जानती हूँ कि हिकमत अंकल इस घर के बॉस हैं। सही कहा। और हिकमत ने एक फैसला लिया है, एक बहुत ही खास फैसला एमिर को लेकर। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जिस दिन तुम डैड बनोगे तब समझ जाओगे। आई डोंट थिंक सो। मुझे फिलहाल शादी करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। बेटी, मैं चाहता हूं तुम एमिर से शादी कर लो। मैं चाहती हूं कि तुम एमिर से शादी करके इस घर की बहू बन जाओ। कुछ तो कहो, कुछ नहीं कहना। मुझ पर भरोसा रखो और हाँ कह दो बेटा, तुमसे अच्छी लड़की मेरे बेटे को दुनिया में और नहीं मिल सकती। का बहुत बहुत शुक्रिया अंकल कि आपने मुझे इस लायक समझा, और आपके फैसले को ठुकराने की मैं हिम्मत नहीं कर सकती हूं, लेकिन फिलहाल मैं शादी नहीं कर सकती। मेरी माँ ने शहर में अपनी आखिरी सांस ली, मैं अपना शहर छोड़ना नहीं चाहती, मैं यहीं पली बड़ी हूं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? अंकल, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूं। मेरे लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आंटी, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। आपने कैसे मेरे मन की बात जान ली? कैसे जानी बताऊं? मुझे काफी पहले समझ में आ गया था, जिस तरह तुम उसे देखती हो, देखते ही आंखों में चमक आ जाती है, और तुम्हारी हरकतों से भी। आपको मेरे मन की बात समझ में आ गई? मेरे बेटे को समझ में नहीं आता, पर मुझे आता है। हाँ बात तो यही है, पर एमिर मुझे सिर्फ अपनी दोस्त समझता है आंटी। हाँ जानती हूँ, पर एंगेजमेंट के बाद वो तुम्हें दोस्त नहीं मंगेतर समझेगा, पर इसके लिए तुम्हें भी अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करनी होगी।
मैं आपसे वादा करती हूँ आंटी कि मैं एमिर के करीब जाने की पूरी कोशिश करूँगी, सच में। तो फिर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बाकी की चीजें मैं संभाल लूंगी। तुम अपनी जावेदन आंटी को तो जानती ही हो ना, मैं जो चाहती हूँ उसे पूरा करके ही रहती हूँ। और यहाँ तो बात मेरे बेटे की है, अब जब हिकमत ने एमिर की शादी का फैसला कर ही लिया है तो हमें तुमसे अच्छी और बड़े खानदान की बेटी भला और कहाँ मिलेगी। अंकल, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं वो मुझसे परेशान ना हो जाए, ना तो वो मुझे जानता है और ना मैं उसे। और मुझे लगता है कि वो भी अभी शादी के लिए तैयार नहीं होगा। वो एक बड़े शहर में पला बढ़ा है, अच्छे स्कूल में पढ़ा है। बेटा, अपने दिल की बात कह रहा हूं, मैं चाहता हूं तुम एक बार उससे मिल लो, उसके बाद क्या करना है ये फैसला तुम खुद करो। उम्मीद है तुम मेरी बात मान लोगे। मेरे पास वक्त बहुत ही कम है बेटा, इसीलिए कह रहा हूं। क्या मतलब कि वक्त कम है? आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? आज मुझे अपनी बहन मरियम की याद आ गई। मैं कुछ समझी नहीं, प्लीज बताइए। बेटा, मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। हिकमत इस खबर को सुनकर बहुत खुश होंगे, पर मुझे लगता है उन्हें ये बात बताने से पहले मुझे तुम्हारी फैमिली से एक बार मिलना चाहिए। क्या मिसेस सुवेला मिलने के लिए अवेलेबल होंगी? क्या हम सब कल डिनर पर मिल सकते हैं? मुझे लगता है कि क्लब मेंबर्स के साथ उनकी मीटिंग आज ही है, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ वो कल आपसे मिल पाएंगी। तो क्या मिसेस सुवेला आज क्लब मेंबर्स से मिलने वाली हैं? मीटिंग घर पर ही है। अगर आज ही मिलकर उनसे बात हो जाती तो अच्छा रहता, पर उनकी तो पहले से ही मीटिंग फिक्स्ड है तो। हाँ, तो क्या हो गया आंटी, आप आज ही आ जाइए, हम मिलकर बात कर लेंगे। नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो, मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ भला, वो नामी क्लब है, उनकी मीटिंग में ऐसे जाना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं आंटी, मेरी जो मॉम है वो क्लब की चेयरवुमन है और उनकी बेटी आपको इनवाइट कर रही है। अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं आ ही जाऊंगी। बेटा, मुझे माफ कर देना, सच कहूं तो अपनी बीमारी की बात बताकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ये बात मैंने इसलिए बताई ताकि तुम जान सको कि मैं शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूं। अंकल, इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं है? आप विदेश जाकर इसका इलाज नहीं करवा सकते क्या? मेरी बच्ची, पैसे से जिंदगी नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा हो सकता तो मैं अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारता। अब देखो ना, मेरे परिवार को मेरी सारी जायदाद मिलेगी, लेकिन क्या वो खुशी से जी पाएंगे? उन्हें सुकून होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। बेटे, अपने अंकल को ना मत कहना प्लीज। अहमद से शादी कर लो, मुझे यकीन है तुम खुश रहोगे। सुहेलिया, क्या तुम फ्राइडे को क्लब में होने वाले ऑक्शन में आओगी? आना तो चाहती हूँ पर मुझे एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जाना है। तुम बोर्ड की चेयरमैन हो, किसी और दिन मीटिंग कर लो। सॉरी पर ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बदकिस्मती से इम्पोर्टेंट मीटिंग है,
मुझे पता है ये आएंगी और ये मर्द कसनाकी की डिजाइन वाली ड्रेस भी पहनेगी। क्या कह रही हो तुम? दो हफ्तों से मैं बहुत बिजी हूँ, चमरे लेकर आई है। रुवेदा भी कसनाकी की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनेगी, इसलिए वो घबरा रही है। बेटा जरा देखो कौन है। देखती हूँ मॉम। हमें ड्रेसेस के मामले में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, मुझे सेम ड्रेस नहीं पहननी। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिसेस जावेदान, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जावेदान आंटी को मैंने इनवाइट किया है मॉम। तुमने इनवाइट किया? वेलकम, आइए। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप सब? मुझे लगता है जेमरी आपको एक खुशखबरी देना भूल गई, जिसकी वजह से मैं आज इतनी खुश हूँ। जावेदान आंटी, ये सब अपने ही है, आइए बैठिए ना आप भी। थैंक यू स्वीट हार्ट। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ।